Stop here. Yeah. I am attending this award for the very first time, so I'm very excited. And you know, it always feels great जब भी आप कोई award show में आते हो, दूसरे talents को देखते हो, acknowledge होते हुए. And yeah, it feels great, and I'm very excited. After a long time, मैं एक award show attend कर रही हूँ खुद, so it's a good feeling. I think somebody just told me for best actress, let's see, in path breaking role. Oh, okay, yeah, let's see. Thank you. Hi. How things have changed for you after Big Boss? चल रहा है बस काम धंधे और क्या चलेंगे अभी तो बिग बॉस खत्म भी नहीं हुआ आप लोग वॉच कर रहे हो ना हाँ फैंस लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और मुझे अच्छा भी लग रहा है और फैंस का तो चलता रहेगा इनफैक्ट और अभी तो स्टार्ट है अभी तो बिग बॉस का पता ही नहीं कौन क्या चलेगा आई डोंट नो मुझे भी नहीं पता अभी ये जो न्यूज़ आ रही थी मुझे नहीं पता इनफैक्ट मैं शूट कर रही थी मैं हैदराबाद में तो मुझे पता भी नहीं था और आ रहा है तो ऑडियंस का इतना रिस्पॉन्स है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि री एंट्री हुई तो डेफिनेटली उन लोगों को अलग मेरा पता चलेगा क्योंकि मैं कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं गई थी और मैं आज भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं जाना चाहती हूँ बट हाँ मुझे लगता है कि मुझे गेम की तरीके से सोचना चाहिए था जैसे कि लोग वहाँ पे अलग तरीके से गए थे सोच के समझ के इनफैक्ट एक दूसरे से मिलजुल के भी गए थे तो वो तो मेरा ऐसा था भी नहीं और आज भी मैं दिमाग लगा के जाऊँगी कि कौन जैसे कि लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ मैं टॉफ़ी लेने के चक्कर में एक मैं देख रही थी कमेंट भी देख रही थी इनफैक्ट मैं बहुत सारे अभी जो बिग बॉस नोटिस कर रही हूँ मुनावर है विकी भैया हैं तो डेफिनेटली उनका थोड़ा गेम चेंज होगा मेरा री एंट्री हुआ तो देखो सब वहाँ पे अच्छे ही लोग हैं बट हाँ कुछ लोग ऐसे गेम के चक्कर में इतने अलग हो चुके हैं कि उनके बारे में कुछ बोलना मतलब अलग है अभी जैसे लोग मुनावर का देखो उनको ऐसा लगता है कि वही उनकी पर्सनैलिटी है तो मुझे वो नहीं समझ में आया बट निकल के आना चाहिए कि वो उनको ऐसा लगता है कि वो गेम के लिए अच्छे सूटेबल हैं तो थैंक यू All star and all TV star and all my team. Thank you. चलो आ जाओ चार्ज ऐसा आया नहीं है तो हाउ एक्साइटेड
How do I look? Fashion, style, character. I think fashion or style. हाँ, fashion. I'm all rounder. Tell us something about the outfit. पहले outfit से शुरुआत करो. Outfit this outfit I style by myself. क्योंकि मुझे स्टाइलिंग और फैशन में रहना ज़्यादा पसंद है. सो मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ. सो दिस इज़ डिज़ाइंड बाय मी, दिस इज़ स्टाइल्ड बाय मी. सो क्रेडिट गोज़ टू मी. ऑनेस्टली आई डिड नॉट वॉच माई सीजन ऑल्सो, क्योंकि अगर देखने की बात है तो क्लिप्स जो आती है ना वो मैं देखती रहती हूँ. तो उससे I think recently there was this. Yaar, I don't want to comment anything on Bigg Boss. Trust me. Project, yes, there are projects coming up. मेरा पिछले ही महीने शो बंद हुआ है. नागमणि जो मैं कर रही थी. Now things are going to come up on a bigger scale. I hope so, but I will reveal very soon. Thank you. खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ अवार्ड लेने के लिए, और एक बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिलने जा रहा है मुझे. तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एंटरटेन करती रहूँ और बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ. जी 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 हाँ, बिग बॉस की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, खतरों की भी जर्नी बहुत अच्छी रही. अभी कुछ अलग करना है लाइफ में, तो वो जर्नी अभी लोगों को डिफरेंट दिखेगी. अभी कुछ और करने जा रही हूँ, तो मे भी शायद जनता को कुछ और डिफरेंट दिखने को मिलेगा और एक नई अर्चना जल्दी देखने को मिलेगी. थैंक यू. बहुत सपोर्ट कर रही हूँ, और अंजलि और शिव दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. दोनों को ही मैं बहुत सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट था तो वरना वो छूट जाता. तो कमिटमेंट थी मेरी, पुरानी कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से मैंने झलक नहीं किया. बट नेक्स्ट ईयर लेट्स सी, ट्राई करती हूँ. मैं सच बताऊँ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है. वर्कशॉप चल रही है मेरी ना, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है. बट हाँ, मैं प्रोमोज वगैरह देखती रहती हूँ और बीच बीच में कभी देखती रहती हूँ. अच्छा कर रहा है, मेरी ऐश्वर्या अच्छी खेल रही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड. तो मैं ऐश्वर्या को ही सपोर्ट कर रही हूँ. मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ मुझे भी मतलब एक आपकी तो बात होती रहती थी ना, तो मैंने कहा चलो मिलते हैं कभी. आज पहले आपका बर्थडे, आई एम सो सॉरी.
अच्छा लग रहा है भाई ये सबसे मिलकर। अभी अर्चना को पहली बार मिली हूँ, बहुत सुना था मैंने रोहित सिंह के बारे में और देखा भी बिग बॉस में, तो बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया बिग बॉस में, हम सबको एंटरटेन किया, तो सबसे मिलना जुलना हो रहा है। और थैंक्स टू यूनिवर्सल अवार्ड्स कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला बिकॉज ऑफ देम, और काफ़ी लोगों से मिलना हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ कभी कभी करती हूँ, अभी पिछले 10 days तो नहीं किया है। मुझे तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अंकिता ही लग रही है ऑनेस्टली, और मुझे लगता है उनकी जर्नी में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, और हम सबके भी मुझे लगता है यही वाइब है। बाकी विक्की जी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं सीरियसली, मुझे उनको वो भी बहुत मुझे एंटरटेन मुझे काफ़ी मतलब यू नो अच्छा लगता है वो जो भी करते हैं। और बाकी नील है, ऐश्वर्या है, उनकी केमिस्ट्री मुझे दोनों की बहुत अच्छी लग रही है, जो है दोनों मतलब जैसे एक यंग कपल और मुझे एक मिड एज कपल, लाइक 35 वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है 35-38 के कपल में, और एक जो 25 और 28 के कपल में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो दोनों का मतलब वो समझदारी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो हाँ बट वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी नेचुरल है और वैसा ही होता है, यू नो उसमें कोई पर्दा नहीं है, और मुझे वो उनकी चीज़ अच्छी लगती है कि यू नो रॉ है रिलेशनशिप, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि यू नो पर्दा है। सो ऐसे ही मुझे लगता है कि जब ये लवी डवी प्यार नहीं होता व्हेन यू ग्रोन अप, तो आप फ्रैंक होते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है कि अगर आपको कितना ही क्रिटिसाइज़ करना चला जाए आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हो, तो वो मुझे लगता है वो एक अच्छी फ्रेंडशिप है उन दोनों के बीच में। रियलिटी शो में यार मैंने तो झलक के लिए ट्राई किया था, मेरा हुआ ही नहीं। नहीं देखिए मैंने चॉइस ली है कई सालों से, मैं जो इतने सालों से नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ सन, एंड छोटे बच्चों का क्या होता है ना वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो इट्स अ कॉन्शियस चॉइस आई हैव टेकन, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द इंडस्ट्री कि वेन एवर समथिंग गुड कम्स दे ऑलवेज कॉल मी, स्पेशली फ्रॉम द टेलीविजन। आई एम ट्राइंग फॉर वेब सीरीज एंड फिल्म बट इट्स नॉट हैपनिंग, आई डोंट नो, सो बट येस आई ऑलवेज गेट अ वेरी यू नो लव एंड यू नो वॉर्म फ्रॉम द टेलीविजन, दे ऑलवेज कॉल मी इन स्पाइट ऑफ मी टेलिंग दैट आई डोंट वॉन्ट टू डू, बट ऑलवेज वेन एवर दिस गुड शो कम्स दे ऑलवेज कॉल मी, सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट स्टिल आई हैव समथिंग यू नो आई एम ऑन दैट जोन कि दैट आई स्टिल आई एम सेइंग नो बिकॉज I want my son to grown up because you know बहुत मैंने कवच किया था और उस वक्त पे मैंने कुछ ऐसे चीज़ें देखी यू नो सोहम बीमार होता था, बट आई हैव टू गो बिकॉज लीड मुझे तो मेरे लीड कैरेक्टर्स ही मिलते हैं बिकॉज ऑफ योर लव, तो ऑफ दैट पॉपुलरिटी ऑफ बिकॉज ऑफ दी और बात ही हम, तो सोहम को वो बीमार हालत में छोड़ के सेट पे जाना थोड़े लिए मुश्किल, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते मैं यू आर मेन लीड कि आज मैं नहीं आ सकती, यू नो सारा स्केड्यूल लगा होता है, तो वो मैंने सोच कर ही फिर मैंने थोड़ा डिस्टेंस लिया, उस टाइम पर मैंने बहुत स्ट्रांग होकर कर लिया, रोहित ने शो छोड़ा था मेरी वजह से बिकॉज वो डायरेक्टर हैं तो ही कैन अफोर्ड टू डू दैट, तो उस वजह से एक कॉन्शियस चॉइस मैंने की हुई है, तो दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि मैं वेब सीरीज़ करती हूँ सो दैट उसमें मेरे 15-20 दिन का कमिटमेंट रहेगा, तो दैट इज़ मैनेजर फॉर मी।
सो ये कॉन्शियस चॉइस है और बस वेट कर रही हूँ कि व्हेन सोहम विल बी ग्रोन अप, कि जब वो यू नो अपना ख्याल खुद रखना सीख जाए. और तब तक मैं आई एम एवरी डे इंगेजिंग, आई एम डूइंग विशारद इन ओडीसी. सो एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ मैं आराम से बैठी हूँ. यू नो आई एम वर्किंग मोर देन व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन दिया वादी. आई वेक अप एट 4 o'clock, आई स्लीप एट 11:30. So I am so happy and you know every day is so blissful and wondrous to me, na ki main itna awake reh pati hu because itna kuch hai karne ke liye roz din mein. So God is so kind to me ki mujhe engaged rakha hua hai itni achhi achhi cheezon mein. I am learning music, I am polishing my skills, and I am learning dance, I am handling family, son, everything, and thanks to, so this is a conscious choice, it's not like that. Ha, pleasure. सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, क्योंकि अवार्ड्स हमेशा सबको मोटिवेट करते हैं. यूनिवर्सल अवार्ड्स नाम ही यू नो पूरा यूनिवर्स नाम हो जाता है. तो या आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम गुड फन एंड एंटरटेनमेंट इनसाइड. I'm doing a video with Babul Supriyo. I did my first video also with him, and now we are shooting next month. That will be happening in Dubai. So yeah, I'm looking forward and very excited. Yeah, because my first project was also with him, and he is a well-known name. So now this will be his comeback video. So I'm very excited. Yeah, yeah. Thank you. Hello. How are you? Good, good. How are you? Good. How excited are you? Are you looking for any awards or are you representing awards? Yes, I am getting one award. As usual, you all know that agar nahi milta hai, usually jab milta hai tabhi main present hoti hu. So, I'm really happy and let's see, I am nominated for this award. So, which one I'll get, I'll let you know. Definitely the one which is really excited, something like जिससे मैंने start किया था. So it's a surprise. The moment I'll get, I'll let you know, guys. I think let's move on, guys. बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आ गई हैं, तो अगर आप मुझसे बिग बॉस पूछ रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली से दैट प्लीज़ आप थोड़ी मेरे बारे में रिसर्च करिए, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा दैट आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. और अभी इट्स बिन लॉन्ग, लेट्स मूव ऑन. नो बिग बॉस. मैनी थिंग्स आर इन लाइन एंड आपको जैसे मैंने बोला कि इफ यू गाइज विल सर्च अबाउट मी यू विल गेट टू नो दैट व्हाट एम आई अप टू राइट नाउ. माई टू फिल्म्स आर ऑन बोर्ड एंड इट्स गेटिंग रिलीज सून एंड आई एम गोइंग टू आई एम डूइंग वन वेब सीरीज ऑल्सो. इट कम एंड यू विल गाइज लेट टू नो. जैसे आएगा वैसे पता चल जाएगा. थैंक यू, थैंक यू. Thank you. Bye. 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 Bye
कैसे हो अर्चना? बस हम लोग कभी मिले नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, है ना? आपके पास सुना था मैंने, बहुत सुना आपके बारे में। मैं आपका सीजन नहीं देख पाई लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी जो भी थोड़ा बहुत देखा मैंने आपका। आप तो बच्चे हो गए ना छोटे से, छोटी सी बच्ची होगी। मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा, कुछ भी जो जो थोड़े थोड़े इंटरव्यू देखे ना, बड़े फनी फनी से और बड़ा मजा आता था देखने में। चीज़ है वही क्यूट, बड़ा अच्छा लगा। अब क्या हुआ? जा क्या हुआ अंदर, फिर करते मीडिया बाइट्स। एक मिनट का है। सबसे पहले शुरुआत आज के अवार्ड की करते हैं। या इसलिए मैंने बोला मैं पहले जाके आती हूँ फिर हम लोग करते हैं। फॉर रनिंग शो या फॉर द रनिंग शो टेल अस समथिंग अबाउट द शो। ओके सो या ओके नीरजा, यू टॉकिंग अबाउट नीरजा? या या इट्स अ ब्रिलियंट शो। ओ थैंक्स। It's a nice show and it's given us a lot. It's a very well made show, well written show. So yes, thank you. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं शायद दुनिया का सबसे लकी इंसान, लकी एक्टर कहूँगा, इंसान तो नहीं कहूँगा, लकी एक्टर कहूँगा। नो 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 नो, ट्रस्ट मी, आई एम द लकी वन। मैं सही जगह पे था, सही वक्त पे था, जो मुझे एक इतनी खूबसूरत टीम मिली। आई हैड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई हैव एवर वर्कड विद, वन ऑफ द मोस्ट कूल टैलेंटेड काइंड टीम्स आई हैव एवर वर्कड विद, मेरे डायरेक्टर, मेरे को एक्टर्स सब। तो आई जस्ट थिंक कथा अनकही वॉज माई गिफ्ट। शायद मैंने कुछ मेहनत की होगी पहले, तो कथान कही वॉज माई गिफ्ट। अब किस तरह
यार आई जस्ट होप आई गेट टू इम्प्रूव इवन मोर, आई गेट टू वर्क इवन हार्डर, आई गेट टू एन्जॉय इवन मोर, थोड़ा सेल्फिश हूँ एंड जस्ट हैव फन, यू नो आई एम हियर टू हैव फन. ये आई एम लुकिंग फॉर द मोस्ट फन प्रोजेक्ट, जो सबसे ज़्यादा फन मुझे देगा मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ. कूल, थैंक यू. पता नहीं यार, वो उसके अलावा पूछो, ये बहुत बड़ी खबर होगी आपके लिए. अच्छी बातें जाएगी तो मसाला ही आएगा शो के अंदर. मैं तो हमेशा से रेडी हूँ बिग बॉस में जाने के लिए, जाएंगे तो फिर धमाल कर ही आएंगे. आज के वेरी एक्साइटेड, देखते हैं अभी बिग बॉस सीजन भी अच्छा चल रहा है अभी. हाँ, मनारा चोपड़ा बहुत प्यारी है. नहीं, मुनव्वर बहुत रियल है और वो जिस तरीके से भी खेल रहा है अच्छा खेल रहा है. ज़रूरी नहीं है लड़ाई झगड़े करके ही खेले जाए, वो स्ट्रेटेजी बना रहा है अपनी. डेफिनेटली बनाना चाहिए ना, ज़रूरी थोड़ी है कि सबसे लड़के चलेंगे. वेरी बोरिंग. अंकिता लोखंडे ने विक्की का पूरा गेम ख़राब कर दिया है. उसका कहना है कि सिर्फ उसके पास ही बैठा रहा है वो, बट इट्स नॉट पॉसिबल यार. बेचारा पति आजिज आ चुका है, कहता है मुझे कहीं और तो जाने दे, कहीं और तो बैठने दे, मुझे लाए क्यों है यहाँ पर. मतलब वो बेचारा बोल बोल कर परेशान है कि तू मुझे यहाँ क्यों लाई है, कि मैं तेरे पास ही बैठा रहा हूँ. ऐसा पति पर टॉर्चर कर रही है ना वो. विक्की अंकिता ठीक है, बट ऐश्वर्या भी कम नहीं है. वो नील को बहुत ही ज़्यादा समर्थ कैसा है यार, वो चलता कैसे है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. उसका अलग ही है, कुछ अलग ही सीन है. मुनव्वर, विक्की जैन एंड मनारा की जगह मनारा भी हो सकती है, अंकिता लोखंडे भी हो सकती है. हो गया ना, अंदर जाना है ना.